हेलो इन्वेस्टर्स। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं किसी भी शेयर की नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक अंदर की बात बताने जा रहा हूँ जो मार्केट में अभी हो रही है। लोग आलोक इंडस्ट्रीज, यस बैंक, बिरला टायर, सिर्फ इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं और इनके चक्कर में अपना पैसा इसके अंदर या तो एवरेज करते रहते हैं या और इन्वेस्ट करते रहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए फंसा रखा है, जो भी है इनके अंदर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शेयर घटिया है, ये शेयर भी प्रॉफिट देंगे आने वाले टाइम में, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है मैं सिर्फ ये उन लोगों के लिए कह रहा हूँ। तो ग्रुप में एक बहुत सही बात हुई थी, एक बंदे ने लिखा था, मोहम्मद आसिफ करके हैं, उन्होंने लिखा था मेरे हिसाब से यहाँ ज़्यादातर न्यू लोग हैं और ये आलोक एंड यस बैंक के चक्कर में फंस चुके हैं। मेरी मानो तो इन दोनों का चक्कर छोड़ो, अनलॉक शुरू हो चुका है, अच्छी कंपनी पर रिसर्च शुरू करो, टाटा, ITC, रिलायंस, बाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा एट्सेट्रा, वरना सट्टा लगाते रह जाओगे और सट्टे में हमेशा लॉस ही होगा। तो बिल्कुल सही बात कही इन्होंने यहाँ पे, क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, आलोक में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, आलोक में लॉस बुक होता जा रहा है, लोग 40 पे 50 पे 60 पे ये चीज़ें कर रहे हैं। तो भाई हर एक शेयर में कुछ लिमिटेड अमाउंट लगाना होता है, ऐसा नहीं होता कि आलोक ऊपर जा रहा है या यस बैंक ऊपर जा रही है तो सारा पैसा उसी शेयर पर लगा दे। हमें दूसरे शेयर भी देखने चाहिए, वरना फिर इनके अंदर हम लोग कभी भी ऑपरेटर गेमिंग हो गया तो कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शेयर गलत है, लेकिन ऑपरेटर कुछ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज इतना बेस्ट शेयर है, फिर भी उसके अंदर हमको कितने ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस सिर्फ सिंपल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ इन्हीं के पीछे मत पड़िए, अपना अमाउंट है जो उसको पार्टीशन में डिवाइड करिए, हर एक सेक्टर में इक्वल अमाउंट में इन्वेस्ट करिए, सो दैट कोई सेक्टर अगर ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है तो हम लोग एवरेजिंग उसमें हो सकती है हमारी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही के अंदर हम सारा का सारा पैसा लगा दे और एक में अमीर बन जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमें हर एक में कुछ कुछ करेंगे तो ही हमको एवरेजिंग हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो भाई सिर्फ ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो ऐसा कर रहे हैं, तो सिर्फ इन्हीं 2-3 शेयर के चक्कर में मत रहिए। मार्केट बहुत बड़ी है, वास्ट है, तो बहुत सारे शेयर हैं, हर एक पे नज़र रखिए। छोटे शेयर भी हैं, बड़े शेयर भी हैं, तो ये आप लोगों के लिए बेटर रहेंगे। इनमें भी बने रहिए, हर एक में आपको अपना नज़रिया रखना चाहिए, लेकिन लिमिटेड अमाउंट के साथ। ऐसा नहीं है कि हर एक में हमको पूरा पैसा फंसा देना है। वैसे अभी के लिए सिर्फ इतना ही, वीडियोज़ आती रहेंगी।